हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज का हमारा इंग्लिश पैडागोजी में टॉपिक है लैंग्वेज स्किल्स के बारे में। ठीक है, तो हम लैंग्वेज स्किल्स को कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। लैंग्वेज स्किल्स, यहां से आपको पता है 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम ये पार्ट वन करेंगे। ठीक है, कौन सा पार्ट करेंगे? पार्ट वन। अब देखो, लैंग्वेज स्किल्स को हम कैसे पढ़ेंगे। बेसिकली इसको पढ़ने का तरीका ये है कि इसमें 4 बेसिक स्किल्स हैं जो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा इसमें ना एक ऐसा पार्ट बनता है जहां से डायरेक्ट एग्जामिनर ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। तो आज मैं पार्ट वन में आपको सिर्फ और सिर्फ वो बेसिक पार्ट बताऊंगी जहां से डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, अलग से फिर यहां से क्वेश्चन आते हैं जो स्किल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि लैंग्वेज में कितनी बेसिक स्किल्स हैं। सो लैंग्वेज हैज 4 बेसिक स्किल्स। ठीक है, डायरेक्ट एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने बेसिक स्किल्स हैं? 4 बेसिक स्किल्स हैं। फिर आपको ध्यान रखना है कौन कौन से, LSRW। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड देन राइटिंग। ठीक है, क्या याद रखेंगे कि लैंग्वेज हैज 4 बेसिक स्किल्स, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। फिर आपको क्या ध्यान रखना है? फिर आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 4 बेसिक स्किल्स हैं ये होती हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर में या सीक्वेंस में, इनका ये सिक्वेंशियल ऑर्डर है। ठीक है, फिर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर LSRW में से ये पूछ लिया जाए कि भाई प्राइमरी स्किल्स कौन सी हैं एंड री इन्फोर्समेंट स्किल्स कौन सी हैं, तो वो भी मैं बता देती हूँ। देखो यहां से ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसको तो आप ना डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, फिर अलग से हम हर एक स्किल के बारे में 1 by 1 करके बात करेंगे, और फिर जितने पार्ट्स हो जाएंगे मैं उन सभी पार्ट्स को एक वीडियो में असिमिलेट कर दूंगी ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। ओके, सो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि LSRW में से प्राइमरी स्किल्स कौन सी है एंड री इन्फोर्समेंट स्किल्स कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो आगे की 2 हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये वाली। ठीक है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये है प्राइमरी स्किल्स। अब 2 जो रेस्ट बच गई हैं, रीडिंग एंड राइटिंग, ये दोनों हैं रीइंफोर्समेंट स्किल। तो आप इसको याद भी ऐसे रख सकते हो कि आगे वाली प्राइमरी है एंड जो पीछे वाली है वो रीइंफोर्समेंट है। अब प्राइमरी एंड रीइंफोर्समेंट क्यों है? देखो, प्राइमरी स्किल्स ये इसलिए हैं क्योंकि लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है इसको पहले डेवलप किया जाता है रीडिंग एंड राइटिंग से, है ना? तो ये पहले डेवलप होती है एंड बाद में इनको डेवलप किया जाता है। लेकिन जब इनको डेवलप किया जाता है रीडिंग एंड राइटिंग को, तो उसमें ना हमें बच्चों को समझाने सिखाने के लिए रीडिंग एंड राइटिंग के लिए रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसे रीइंफोर्समेंट स्किल भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे ये चीज। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूं आपको। फिर आपको इसमें ध्यान रखना है, अगर एग्जामिनर ने आपसे ये पूछ लिया कि भाई ये जो 4 स्किल हैं, अगर आपने बच्चे को बेस्ट लर्निंग करानी है तो ये 4 स्किल कैसे पढ़ाओगे या कैसे सिखाओगे? ठीक है, नोट सिखाओगे हम ये कह सकते हैं, कैसे स्किल को डेवलप करोगे, बिकॉज स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप की जाती हैं, राइट? तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बेस्ट लर्निंग के लिए आप इन स्किल्स को कैसे डेवलप करोगे, तो आपका आंसर होना चाहिए इंटीग्रेटेड मैनर। अब इंटीग्रेटेड मैनर का मतलब है कि हम LSRW जो ये सीक्वेंस है, ये एक तो ध्यान रखना, ये सीक्वेंस यही फॉलो होगा, लिसनिंग पहले, स्पीकिंग उसके बाद, रीडिंग उसके बाद, राइटिंग सबसे लास्ट में, इसको तो आपने रट लेना बिल्कुल। अब सुनो, इंटीग्रेटेड मैनर का मतलब है कि LSRW जो है वो एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल तो आपने लिसनिंग कराई, फिर स्पीकिंग, फिर अगले साल आपने रीडिंग कराई, फिर 4 साल बाद आप राइटिंग करा रहे हो। नहीं, आपने LSRW एक साथ कराने हैं। दैट मीन्स अगर आप इनको इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाते हो
या फिर इंटीग्रेटेड मैनर में इन स्किल्स को डेवलप करते हो, तभी जाकर बेस्ट लर्निंग होती है बच्चे की। ओके, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा और कहां से क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, वो भी बता देती हूं। जैसा कि मैंने कहा कि सभी स्किल्स को हम वन बाय वन करके मैं सारी वीडियोस को फिर एक साथ एक पार्ट में असिमिलेट कर दूंगी, ताकि आपको बार बार ढूंढने की जरूरत ना पड़े, बट इनको अभी हम पार्ट्स में ही करेंगे। तो अब आपको ध्यान रखना है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग। अब आपने ऐसे इसको ध्यान रखना है, ठीक है? यहां मैं इनके पॉइंट लिखूंगी एंड यहां हम इन दोनों के पॉइंट लिखेंगे। अब आप इस तरीके से एक डायग्राम बना सकते हो, या फिर आप लिसनिंग एंड रीडिंग को साथ में लिख के लिख सकते हो, लेकिन जब ये सीक्वेंस में होते तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, राइट? तो अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि अगर हम लिसनिंग एंड रीडिंग की बात करें तो ये दोनों क्या है? रिसेप्टिव स्किल्स हैं। कौन सी स्किल्स हैं? रिसेप्टिव। अब रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती हैं? देखो, रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं जहां पर आप रिसीव कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रिसेप्टिव का मतलब क्या है? रिसीव करना। आप क्या कर रहे हो? आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है? तो आप कुछ जब चीज रिसीव करते हो उसे कहते हैं रिसेप्टिव स्किल्स। तो लिसनिंग एंड रीडिंग दोनों को आप क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो। लिसनिंग में आप हियर करते हो, रीडिंग करते हो, जब भी आप किसी का लिखा हुआ रीड करके हियर करते हो। सो दैट मींस ये दोनों क्या है? रिसेप्टिव स्किल्स है, ठीक है? एंड ये दोनों ही पैसिव स्किल्स भी कहलाती हैं, ठीक है? क्योंकि यहां पर ना आप अपना कुछ ओरिजिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। लिसनिंग में भी आप क्या कर रहे हो? हालांकि लिसनिंग में, रीडिंग में आपको अटेंटिव होना जरूरी होता है, बट ये दोनों पैसिव स्किल्स होते हैं, क्योंकि यहां पर आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो कुछ भी, ठीक है? तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? बस रिसीव कर रहे हो आराम से, ठीक है? तो जब हम कुछ चीज रिसीव करते हैं तो वहां पर हम रिसेप्टिव एंड पैसिव स्किल्स को ही यूज कर रहे होते हैं। एंड जैसा कि मैंने यहां पर कहा कि आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप बल्कि इनपुट ले रहे हो बाहर से, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? इनपुट स्किल। इसके अलावा इसे स्किल फॉर कॉम्प्रिहेंशन भी कह सकते हैं। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताती हूं, इन सभी का मीनिंग एक है, लेकिन मैंने आपको इसी एक मीनिंग को चार अलग अलग तरीके से बताया। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर वर्ड्स के साथ खेलेगा। एग्जामिनर क्या करेगा? कॉम्प्रिहेंशन दे देगा, या इनपुट दे देगा, या पैसिव दे देगा, या रिसेप्टिव दे देगा। देखो, चारों का मतलब एक ही है। चारों में आपका क्या है? आपका रोल एक ही है कि आप समझ रहे हो, सुनकर समझ रहे हो, ठीक है? आप रीड कर रहे हो तब भी समझ रहे हो, आप लिसन कर रहे हो तब भी समझ रहे हो। अब जैसे कि देखो, जो मैं पढ़ा रही हूं उसको आप आराम से सुन रहे हो, बैठ के आराम से सुन रहे हो ना, तो आपने सुना, ठीक है? एंड सुनकर आपने समझा, तो आपने रिसीव किया, आपने समझा, रिसेप्टिव। आप आराम से बैठकर सुन रहे हो, पैसिव। आप अपना कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहे हो, आप यहां पर बैठकर इंफॉर्मेशन ले रहे हो, इनपुट। एंड आप क्या कर रहे हो? आप समझ रहे हो जो भी बोला जा रहा है आपको, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंड करना, समझना, ठीक है? अब रीडिंग की बात करते हैं। अब एक बात बताओ, जब आप कुछ रीड करते हो, जैसे कि सपोज करो ये मैंने लिख दिया, तो ये लिखा मैंने है, आपने तो बस इसे रीड किया है। तो जब आप रीड कर रहे हो तब भी आप क्या कर रहे हो? बोलते वक्त आप उसको ध्यान से पढ़ रहे हो, उसको समझ रहे हो, ठीक है? फिर आप जब बोल रहे हो उसको, लेकिन आपका तो कुछ ओरिजिनल नहीं है ना, आप तो रीड कर रहे हो ना उसमें, तो वो क्या है? एक पैसिव स्किल बन जाती है। आप अपना कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आपका अपना कुछ ओरिजिनल नहीं दे रहे हो, तो इनपुट है। एंड आप समझ रहे हो, दैट मींस स्किल फॉर कॉम्प्रिहेंशन है। नेक्स्ट है स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब इसी का उल्टा बिल्कुल। देखो, स्पीकिंग एंड राइटिंग में आप क्या कर रहे हो? बोल रहे हो। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूं, तो मैं अपने वर्ड्स प्रोड्यूस कर रही हूं, मैं फोनेटिक साउंड्स निकाल रही हूं, ठीक है? एंड इसके अलावा जब मैं राइट कर रही हूं तो भी मैं कुछ ना कुछ लिख रही हूं। जैसे कि हाँ, मैंने लिखा प्रियंका, मैंने मेरा नाम लिख दिया, ठीक है? तो प्रियंका मैंने लिखा, तो फिर इसका मतलब क्या है कि मैंने अपना कुछ प्रोड्यूस किया, अपने हाथों से कुछ लिखा है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? बेसिकली आप यहां पर अपनी
इनपुट दे रहे हो तो इसे कहेंगे आउटपुट स्किल, ठीक है। फिर रिसेप्टिव का उल्टा लगा दो, प्रोडक्टिव, है ना, प्रोड्यूस कर रहे हो ना। फिर पैसिव का उल्टा लगा दो, एक्टिव, है ना। ये बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, इनपुट का हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। स्किल फॉर कॉम्प्रिहेंशन का यहां बन जाएगा स्किल फॉर एक्सप्रेशन। अब देखो यहां पर वैसे इजी बहुत है समझना, बट इसको एक बार ध्यान से देखो। स्पीकिंग बोल रहे हो, रीडिंग सॉरी राइटिंग राइट कर रहे हो, दोनों में आपने कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया, आउटपुट दिया। आप यहां पर प्रोड्यूस कर रहे हो तो दैट मीन्स प्रोडक्टिव स्किल्स। एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हो ना, है ना। आप ऐसे तो थोड़ी ना कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बड़बड़ाए जा रहे हो। जब आप बोल रहे हो आप समझ के बोल रहे हो, आपका दिमाग काम कर रहा है। आप राइट कर रहे हो तब भी आप अटेंटिव हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो बोलकर या लिखकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो। दैट मीन्स स्किल फॉर एक्सप्रेशन। वेयर एज आप लिसनिंग एंड रीडिंग में क्या कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो। जैसे कि लिसनिंग में मैं आपको कुछ बात समझा रही हूं, आप समझ रहे हो। बट रीडिंग में क्या करते हो, जैसे कि आप बुक पढ़ रहे हो, कोई पोम पढ़ रहे हो कोई, तो वो जो राइटर ने लिखा हो उसको समझने की कोशिश कर रहे हो ना आप पढ़ते वक्त। तो क्या हो गया, रीडिंग, स्किल फॉर कॉम्प्रिहेंशन। आई होप अब कोई भी कंफ्यूजन ना होगा आपका। अगर फिर भी है तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा आपको और क्या क्या ध्यान रखना है, यहां से ना डायरेक्ट एक या दो नंबर के क्वेश्चन आपको ऐसे डायरेक्ट दिखेंगे, घुमा के नहीं क्वेश्चन पूछता है यहां से एग्जामिनर, बिल्कुल ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए इसका वीडियो मैंने अलग रखा है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं लिख रही हूं लिसनिंग, यहां पर स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब यहां से डायरेक्ट देखो कैसा क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछता है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग लैंग्वेज का कौन सा एस्पेक्ट है, ठीक है। तो पहले मैं एस्पेक्ट लिख देती हूँ, ये कौन कौन से एस्पेक्ट है लैंग्वेज के, फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो लिसनिंग क्या है, इट इज द सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो सिमेंटिक एस्पेक्ट का मतलब क्या है, देखो सिमेंटिक का मतलब होता है किसी चीज का मीनिंग निकालना। अब आप मुझे सुन रहे हो तो सुनते वक्त आप ध्यान से सुन रहे हो कि भाई प्रियंका कह क्या रही है, राइट। तो आप सुनते वक्त जो है क्या कर रहे हो, सुनने के बाद उसका साथ साथ मीनिंग भी निकाल रहे हो, अर्थ भी निकाल रहे हो। तो लिसनिंग जब आप करते हो तो यू हैव टू बी अटेंटिव, राइट। देखो लिसनिंग में हियरिंग में फर्क है। हियरिंग का मतलब ठीक है आपने सुन लिया, अनकॉन्शियस माइंड से सुन लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिसनिंग में आपको अटेंटिव होना पड़ता है, थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है, ध्यान से सुनना पड़ता है, ठीक है। एंड उसके साथ आपको सुनकर क्या करना पड़ता है, चीजों का मीनिंग निकालना पड़ता है जो आप सुन रहे हो। तो आपने क्या करा कि जब आप कुछ सुन रहे हो, हर चीज का, हर स्पीच का मीनिंग निकाल रहे हो, हर वर्ड का मीनिंग समझ रहे हो, तो दैट मीन्स लिसनिंग इज द सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज, ओके। फिर अगर स्पीकिंग की बात करें तो आप यहां पर क्या कर रहे हो, साउंड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, सो दैट मीन्स इट इज द फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। तो फोनेटिक का मतलब क्या है, साउंड, आप कुछ ना कुछ साउंड निकाल रहे हो, आप ह्यूमन स्पीच कह लो चाहे, फोनेटिक का मतलब होता है साउंड निकालना, साउंड प्रोड्यूस करना, या ह्यूमन स्पीच को हम फोनेटिक कहेंगे। तो स्पीकिंग में आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ बोल रहे हो, सो दैट इज वाई इट्स द फोनेटिक एस्पेक्ट, इट इज द फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। नेक्स्ट इज रीडिंग, रीड करते वक्त आप क्या कर रहे हो। अब देखो ये बड़ा यहां से क्वेश्चन आते हैं और यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सबसे ज्यादा इसमें। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, यहां मैं लिख देती हूं फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। अब देखो रीडिंग में मैंने लिखा फोनेटिक तो फोनेटिक यहां आ गया, यहां मैंने लिखा ग्राफिक तो ग्राफिक राइटिंग होता है। अब देखो रीडिंग फोनेटिक कम ग्राफिक कैसे होता है, क्योंकि अब जो लिखा हुआ है, जैसे कि ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये टेक्स्ट है, यहां विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम लिखी हुई है,
आपने पोम पढ़ी, तो जो लिखा हुआ है वो क्या हो गया? ग्राफिक. रिटन को हम ग्राफिक बोलते हैं, ग्राफिक एस्पेक्ट बोलते हैं. तो आप रीड करते वक्त क्या करते हो? लिखा हुआ ही तो पढ़ते हो. तो आप जब रीड कर रहे हो तो यहां पर एक पोम लिखी है और आपने उसको रीड किया, दैट मींस ग्राफिक. अब उसको रीड करते वक्त आपने क्या करा? साउंड निकाली, दैट मींस फोनेटिक. सो दैट्स व्हाई रीडिंग करते वक्त आप दो एस्पेक्ट का यूज करते हो, फोनेटिक कम ग्राफिक. आई बात समझ में? तो इसीलिए रीडिंग क्या है, यह है फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज. एंड ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है. राइटिंग क्या है? राइटिंग इज योर ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज. ठीक है, क्यों? क्योंकि राइटिंग क्या है? ग्राफिक होता क्या है बेसिकली? इट मींस ड्रॉन या फिर रिटन. ठीक है, समझे मेरी बात? तो राइटिंग क्या होती है? ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज. तो इस तरीके से ये देखो, ये बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आज समझाए. और यहां से अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो आप देखो, LSRW आपको पता है कि थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, उसको अलग अलग वीडियो में हम कर लेंगे. लास्ट में सारी वीडियोस को, सारे पार्ट्स को मैं असिमिलेट कर दूंगी, लैंग्वेज स्किल के सारे पार्ट में एक वीडियो में असिमिलेट करके वो भी दोबारा से अपलोड कर दूंगी, इन सभी वीडियोस को एक साथ जोड़ के. लेकिन जो ये स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ा रही हूँ इसको प्लीज ध्यान से करना. आज वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूलना मत. कभी आप डायरेक्ट लैंग्वेज स्किल्स पर चले जाओ, जिसमें आप डायरेक्ट LSRW पर बात करो, नहीं. उससे पहले आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट करना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय. और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो लैंग्वेज स्किल का पार्ट 2 होगा. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर. वेलकम बैक टू माई चैनल लर्निंग विद पेस. जैसे कि मैंने कहा था, लैंग्वेज स्किल को हम पार्ट्स में पढ़ेंगे. तो आज हम बात करेंगे लैंग्वेज स्किल्स में लिसनिंग स्किल के बारे में. ठीक है, अब हमने इससे पहले ऑलरेडी एक पार्ट कर लिया है, जो पार्ट 1 है ना, उसमें हमने वो सारे वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े थे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं. ठीक है, अब लिसनिंग स्किल से यहां से ज्यादा कुछ आएगा नहीं, लेकिन इसी में आप बहुत कुछ है पढ़ने को. चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक. लिसनिंग स्किल्स का मतलब क्या है? इट इज काइंड ऑफ एन ओरल इनपुट. ओरल इनपुट का मतलब होता है सुनना, हियर करना. बट ध्यान रखना, लिसनिंग एंड हियरिंग में डिफरेंस है. लिसनिंग के टाइम पर आप थोड़े से फोकस्ड होते हो, अटेंटिव होते हो, आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन तो होता ही होता है. बट हियरिंग में कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, यू जस्ट हियरिंग आउट द स्टफ. ठीक है, हियरिंग एंड लिसनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. अब लिसनिंग स्किल में क्या होता है? एक सेंडर होता है, सेंडर अपना मैसेज भेजता है एंड रिसीवर उसको रिसीव करता है. जैसे कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, ये मेरा मैसेज हुआ, आप बैठ के सुन रहे हो, ये आप कौन हुए? आप रिसीवर हुए एंड आप इस मैसेज को रिसीव कर रहे हो. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द साउंड देन डिड्यूस द मीनिंग. तो आप लिसनिंग स्किल में क्या करते हो? पहले साउंड को, ह्यूमन स्पीच को ध्यान से सुनते हो, केयरफुली सुनकर फिर उसका मीनिंग निकालते हो. तो मीनिंग निकालना मतलब डिड्यूस द मीनिंग. नेक्स्ट है लिसनिंग में आपकी एक्टिव एंगेजमेंट होती है, यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, आप फोकस्ड होते हो, आप अटेंटिव होते हो. आपका अटेंशन होना बहुत जरूरी है वाइल लिसनिंग, अटेंटिव होना बहुत जरूरी है. रीजन बीइंग, अगर आप कुछ ध्यान से सुनोगे नहीं तो आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे, एंड लिसनिंग रिक्वायर्स योर रिस्पॉन्स. नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ लिसनिंग. लिसनिंग करते वक्त आप किस किस प्रोसेस के थ्रू गुजरते हो? देखो, जैसे कि आपने मैसेज को रिसीव किया, बिल्कुल सही है, रिसीव करके आपने अंडरस्टैंड किया, मतलब उसको समझा, कॉम्प्रीहेंड किया. अंडरस्टैंड की जगह आप कॉम्प्रीहेंड भी लगा सकते हो. ठीक है, फिर आपने रिमेंबरिंग किया, मतलब आपने उस इंफॉर्मेशन को रिटेन किया. फिर आपने इवेल्युएट किया, थोड़ा सा जजमेंट बनाया. ठीक है, एंड देन आपने रिस्पोंड किया. अब लिसनिंग प्रोसेस में जो ये इतने प्रोसेस है ना, ये विद इन फ्यू सेकेंड्स हो जाते हैं. ऐसा नहीं कि आप एक मिनट का टाइम ले रहे हो तब आप बोल रहे हो. ठीक है, ये लिसनिंग प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि 5 मिनट रिसीव लेगा, 5 मिनट अंडरस्टैंड लेगा, 5 मिनट ये लेगा, 5 मिनट नहीं, ये सारा एक साथ हो जाता है. ठीक है, लेकिन प्रोसेस यही चलता है. ओके, अब टाइप्स आपसे पूछ लिए जाएंगे. टाइप्स में सारे टाइप्स आपको करने हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स आपको मिलेंगे, बट हमें उतना नहीं करना जितना जरूरी नहीं है. सीटेट के हिसाब से या टेट एग्जाम के हिसाब से जितना भी रिक्वायर है वो सिर्फ यही है.
पहला है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का मतलब क्या है कि आप ना वॉइस में डिस्टिंक्शन करते हो, ध्यान से सुनना, आप वॉइस में क्या करते हो, डिस्टिंक्शन करते हो। अब डिस्टिंक्शन क्या होता है वॉइस का, मेल की वॉइस अलग, फीमेल की वॉइस अलग, बच्चों की वॉइस अलग, इनफैक्ट आपके घर में आपके सिस्टर की वॉइस अलग है, आपके मदर की वॉइस अलग है। तो ये जो वॉइस का डिस्टिंक्शन होता है ना, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। ये जो स्टेज है ये अर्ली स्टेज से शुरू हो जाती है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद ही डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम एक सर्टेन एज पे चले जाते हैं हमें पता चल जाता है कि हाँ ये आवाज़ किसकी है, ये आवाज़ उसकी है, ये आवाज़ किसकी है, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये मेरे भाई की आवाज़ है, मेरी बहन की आवाज़ है, मेरे मम्मी की आवाज़ है, मेरे पापा की आवाज़ है, मेरे चाचा जी की आवाज़ है, मेरे ताऊ जी की आवाज़ है। सो कहने का मतलब है कि जब आपको वॉइस में डिस्टिंक्शन होने लग जाए तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, मतलब यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आपका अंडरस्टैंडिंग करना चालू हो जाता है, आप समझने लगते हो, ठीक है। लेकिन ये कहा जाता है कि कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के लिए आपको लैंग्वेज पे थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए, वोकैबुलरी पे थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए। तो जो आप सुन रहे हो उसको अच्छे से समझना, उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, तो आप इसमें क्या कर रहे हो, आप सुनते वक्त इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प कर रहे हो। ये चीज आप क्या करते हो, ये चीज आप इसलिए करते हो ताकि आप उसको रिटेन कर सको इंफॉर्मेशन में। तो आप पढ़ते वक्त क्या करते हो, आप इंफॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट है क्रिटिकल, इसमें क्या करते हो, आप सुनते हो साथ में इवेल्युएट करते हो, थोड़ा सा मूल्यांकन करते हो सुनने के बाद, अपना जजमेंट देते हो, ठीक है। तो ये हुई आपकी क्रिटिकल लिसनिंग। थेरेप्यूटिक एंड एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी के इमोशंस को फील कर रहे हो, सुनते वक्त आप किसी के इमोशंस को, उसके दुख दर्द, उसकी जॉयनेस हैप्पीनेस को फील कर रहे हो। जैसे कि साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, काउंसलर जो होते हैं, आप देखना साइकेट्रिस्ट, काउंसलर, थेरेपिस्ट ये ध्यान से आपकी बातों को सुनते हैं। तो जब वो सुनते हैं ना आपको, तो वो उस टाइम पर थेरेप्यूटिक या एम्पैथेटिक लिसनिंग का यूज कर रहे होते हैं। एम्पैथेटिक का मतलब होता है एम्पैथाइज करना, एम्पैथाइज एंड सिंपथी दोनों अलग हैं। एम्पैथाइज का मतलब होता है या एम्पैथी का मतलब होता है कि आप ना सामने वाले को सुनते वक्त उसकी सिचुएशन में अपने आप को रखकर देख रहे हो, ठीक है। अप्रिशिएटिव लर्निंग, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसमें आपके बेस्ट फ्रेंड भी आते हैं। अगर आपके दोस्त जो हैं, जो आपके लॉयल हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड है, वो भी इस तरीके की लिसनिंग करते हैं, जब भी आपको परेशानी होती है तो आपको ध्यान से सुनते हैं, तो उस टाइम पर भी वो एम्पैथेटिक या थेरेप्यूटिक लिसनिंग का यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है अप्रिशिएटिव लिसनिंग, इसमें आप जो भी सुनते हो वो खुशी के लिए सुनते हो, अपने प्लेजर के लिए सुनते हो, ठीक है। जैसे कि आपने पोएम सुन ली, गाने सुन लिए, ठीक है, या फिर आपने कुछ नेटफ्लिक्स पे अच्छा सा सीरीज देख लिया, राइट। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव या फिर ये कह लो रिस्पॉन्सिव लिसनिंग। इंटरैक्टिव लिसनिंग में आप क्या करते हो, आप सुनते तो हो बट साथ ही साथ आप रिस्पॉन्स करते हो या इंटरैक्ट करते हो। एक चीज यहां ध्यान रखना, लिसनिंग कभी अकेले नहीं होती, ठीक है, लिसनिंग कभी अकेले नहीं होती है, लिसनिंग के साथ आप हमेशा स्पीकिंग को लेकर चलोगे, ये चीज आपको अभी यहां समझ आएगी, डोंट वरी। नेक्स्ट है अटेंटिव एक्टिव या इंटेंसिव लिसनिंग। अटेंटिव ध्यान से सुनना, एक्टिव बिल्कुल फोकस्ड होकर एक्टिव तरीके से सुनना, मतलब अपने कहते ना कि आंख कान मुंह सब खुले रखना, ठीक है। इंटेंसिव का मतलब होता है बिल्कुल गहन अध्ययन के साथ सुनना, तो ऐसे लिसनिंग जिसमें आप बिल्कुल फोकस्ड हो, अटेंटिव हो एंड आपका एक्टिव एंगेजमेंट हो, ऐसे लिसनिंग को हम कहते हैं अटेंटिव एक्टिव इंटेंसिव। तो आप ना क्लासरूम में जब होते हो तब आप इस लिसनिंग का यूज करते हो, क्योंकि टीचर जो कह रही है वो आपको ध्यान से सुनना ही पड़ता है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव लिसनिंग, ये इसमें क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा लो कॉन्सेंट्रेशन होता है आपको, आप इसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से नहीं सुनते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, इससे शायद एवरीबडी कैन रिलेट, जब हम अपने स्कूल टाइम पर होते थे तो आपको पता है ना कि कुछ ऐसे फंक्शन होते जिसमें ना भाषण एक एक दो दो घंटे के चलते थे, तो वो भाषण जो होते थे ना वो असेंबली में सुने नहीं जाते थे, वो मतलब ऐसे लगता था बिल्कुल बोरियत वाला काम लगता था, नहीं
तो उसमें हम एक्सटेंसिव लिसनिंग का यूज करते हैं, जहां पर हमारा है ही नहीं ज्यादा ध्यान, हम बस थोड़ा सा लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को यूज कर रहे हैं और ज्यादा ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। नेक्स्ट इज सेलेक्टिव। ये इस तरीके की लिसनिंग होती है जिसमें ना आप थोड़े से बायस्ड हो जाते हो, या ये कह लो कि आप वो सुनना चाहते हो जो आप वो सुनते हो जो आप सुनना चाहते हो, ठीक है, आप वो सुनते हो जो आप सुनना चाहते हो, उसको कहते हैं सेलेक्टिव लिसनिंग, ठीक है। ऐसे आपने सुना है कि ये कहा जाता है कि यू आर सेलेक्टिव जजमेंटल, इसका मतलब होता है कि आप वहां जजमेंटल होते हो जहां आप चाहते हो, वरना आप हर जगह जजमेंटल नहीं होते हो। सो इन द सेम वे सेलेक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप सिर्फ वो ही सुनते हो जो आप सुनना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसेंशियल कंडीशन फॉर लिसनिंग। अब लिसनिंग के लिए क्या क्या इसेंशियल कंडीशन हो सकती है, लर्नर शुड बी अटेंटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम LSRW चारों ही स्किल की बात करें, चारों स्किल में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर लर्नर अटेंटिव नहीं तो कोई फायदा नहीं, क्लासरूम में बच्चे का अटेंटिव होना जरूरी है। नेक्स्ट, लर्नर का मोटिवेटेड होना भी बहुत जरूरी है। अगर लर्नर के अंदर से ही मोटिवेशन नहीं है इन स्किल्स को डेवलप करने का, तो आप कितनी कोशिश कर लो बच्चा नहीं सीखेगा, इन स्किल्स को नहीं डेवलप करेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्टेड, बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड आपको हमेशा ऐसी स्ट्रेटजीज के साथ आना होगा कि बच्चा इंटरेस्ट ले आपकी क्लास में। नेक्स्ट है लिसनिंग स्किल में क्या होना चाहिए कि आपकी जो वॉल्यूम है स्पीच की या साउंड की वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, बच्चों को सुननी चाहिए क्लियरली, ऑडिबल होनी चाहिए, इसको आप लिख सकते हो प्रॉपरली ऑडिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है हियरिंग ऑर्गन शुड बी नॉर्मल, ऑब्वियसली सी बात है हियरिंग ऑर्गन्स जो है अच्छे से काम करते हुए होने चाहिए, तभी आप लिसनिंग अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज टू फोकस ऑन लिसनिंग। अब आप लिसनिंग करते वक्त क्या क्या आपको ना स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, बिफोर लिसनिंग, ड्यूरिंग लिसनिंग एंड आफ्टर लिसनिंग। बिफोर लिसनिंग आप देखते हो कि भाई हमें क्या सुनना है एंड किस पर्पज के लिए सुनना है। नेक्स्ट, आप ड्यूरिंग लिसनिंग में ये देखते हो कि क्या आपको वाकई में जो आप सुन रहे हो वो समझ में आ रहा है। फिर आफ्टर लिसनिंग में आप ये देखते हो कि क्या जो आपने स्ट्रेटजीज यूज की थी क्या वाकई में वो स्ट्रेटजीज बिल्कुल सही हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करना है, आपको उसको बोलना भी सीखना है एंड उसको ध्यान से सुनना भी सीखना है। जैसे कि मैंने कहा लिसनिंग अकेले नहीं होती है, स्पीकिंग भी साथ में होती है, तो इन दोनों को साथ में लेकर आप चलोगे, ठीक है। तो अब देखो कि लिसनिंग में आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि यार क्यों ना एक काम करा जाए कि नेटफ्लिक्स पे कुछ ऐसा इंग्लिश में सीरीज देखी जाए, तो ये आपकी क्या हुई, एक स्ट्रेटजी हुई। तो आप स्ट्रेटजी से पहले क्या करोगे, लिसनिंग से पहले आप सोचोगे कि भाई कुछ ना कुछ हम बिल्डअप करते हैं जहां से हमारी लिसनिंग अच्छी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा एक डॉक्यूमेंट्री देख लेते हैं, एक सीरीज देख लेते हैं इंग्लिश की, तो उससे क्या होगा आपकी लिसनिंग पावर बढ़ेगी। तो अब आप जब वो डॉक्यूमेंट्री या सीरीज देख रहे होंगे, तब आप देखते वक्त उसको सुनते वक्त ये देखेंगे कि क्या आपको वाकई में वो समझ आ रहा है जो वहां पे बोला जा रहा है। फिर आप जब वो डॉक्यूमेंट्री एंड जो वो सीरीज है उसको जब देख लेंगे, तब आप ये देखोगे क्या ये जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई सुनने की, कि भाई मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी या मैंने एक सीरीज देखी या मैंने एक फिल्म देखी, ये जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई क्या ये बिल्कुल सही है। तो आफ्टर लिसनिंग आप उस चीज को इवेल्युएट करोगे, और अगर आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है तो आप दूसरी स्ट्रेटजीज यूज करोगे, राइट। नेक्स्ट है एम्स क्या होने चाहिए लिसनिंग स्किल के। तो भाई लिसनिंग स्किल ऐसा है कि अकेले नहीं है, इसके साथ स्पीकिंग स्किल तो चलती ही चलती है। तो जब आप लिसनिंग अच्छे से करोगे ना, तभी आपकी स्पीकिंग इफेक्टिव हो पाएगी, बेटर हो पाएगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, यहां पर टू आएगा, टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट आइडियाज एंड फैक्ट्स, ताकि आपको कॉन्सेप्ट आइडियाज एंड जो फैक्ट्स हैं उनकी कॉम्प्रिहेंशन हो, उनका एक आपके अंदर एक समझ बैठे, इसलिए भी आप क्या करते हो, आप लिसनिंग स्किल को डेवलप करते हो। तो लिसनिंग स्किल के ये सब थोड़े से एम्स हैं। इसके अलावा इंप्रूव लिसनिंग स्किल्स, आप लिसनिंग स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। देखो, इसका एक जो मेन आंसर है वो ये है कि आप अपनी क्लास में जितना हो सकेगा आप अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करोगे ही करोगे, ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है। तो आपको क्लासरूम में जितना हो सके उतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, जैसे कि रोल प्ले हो सकता है। रोल प्ले में एक टीचर जो है बच्चों को क्या कहेंगी कि रोल प्ले करो, तो उनको एक्ट करने के लिए दिया जा सकता है, जैसे कि टीचर स्टूडेंट का, डॉक्टर पेशेंट का। तो इसमें होगा क्या, इसमें बच्चे एक दूसरे से बात भी करेंगे,
एंड एक दूसरे से बात करके उनको सुनेंगे एंड लिसनिंग स्किल भी होगी. तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोनों स्किल साथ में डेवलप हो रही हैं. ठीक है, नेक्स्ट है ओरल कंपोजिशन. ओरल कंपोजिशन में टीचर जो है जैसे कि एक यू नो एक मटेरियल दे देगी बच्चों को और बच्चे उसको रीड करेंगे, उसको रीड भी करेंगे, उसको बोलेंगे भी एंड देन उसको क्या करेंगे, बोलकर उसको समझेंगे भी. तो मैं बार बार देखो यही बात कह रही हूँ कि लिसनिंग अकेले नहीं होती है, इसके साथ स्पीकिंग होती ही होती है. तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना. ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एक्सरसाइज. अब टीचर यहाँ पर क्या करेगी, कुछ बोलेंगी एंड बच्चों को कहेंगी मुझे इमिटेट करो. ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन टीचर बोल सकती हैं एंड बच्चों को कहेंगी ध्यान से सुनो एंड मुझे इमिटेट करो. यहां पर बच्चे क्या करें, टीचर को ध्यान से सुनेंगे एंड टीचर को इमिटेट करेंगे. तो बच्चे क्या है यहां पर, ध्यान से सुन भी रहे हैं एंड बोल भी रहे हैं. तो यहां पर दो काम हो रहे हैं कि बच्चों को जो है पता चल रहा है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट एंड ये समझ में आ रहा है कि भाई बोलना कैसे है, प्रोनंसिएशन कैसे होनी चाहिए. तो लिसनिंग के साथ साथ हमेशा स्पीकिंग स्किल जो है वो बढ़ती रहती है, डेवलप होती रहती है. नेक्स्ट है स्टोरी आउटलाइन. टीचर जो है एक स्टोरी बता देंगी या फिर कुछ यू नो टीचर कुछ पिक्टोरियल डिक्टेशन दे देंगी. जैसे कि टीचर ने एक स्टोरी बता दी कि भाई बच्चों को बोला कि एक काम करो तुम पिक्चर बनाओ और मुझे ध्यान से सुनो. तो टीचर ने यहाँ पर स्टोरी के कुछ आउटलाइन बताए और टीचर ने बच्चों को कहा जो मैंने स्टोरी आपको बताई है इसको पिक्चर में ड्रॉ करो. तो अब देखो बच्चे पिक्चर में कब ड्रॉ कर पाएंगे, जब बच्चे टीचर को ध्यान से सुन पाएंगे. तो बच्चे जब टीचर को ध्यान से सुनेंगे तभी तो टीचर ने जो बोला है उस चीज़ का बच्चे पिक्चर ड्रॉ कर पाएंगे. जैसे कि टीचर ने थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी बता दी, ठीक है, तो स्टोरी का आउटलाइन बता दिया तो बच्चे यहाँ क्रो बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक मटका बनाएंगे, फिर यहाँ पैबल्स बनाएंगे, फिर यू नो एक मटके के ऊपर फिर क्रो को दिखा देंगे. तो बच्चे ये सीक्वेंस कैसे बना पाएंगे पिक्टोरियल डिक्टेशन का, जब बच्चे टीचर को ध्यान से सुनेंगे. एंड लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ रखा है. मतलब क्रो वाला नहीं, पिक्टोरियल डिक्टेशन वाला. इसका मतलब होता है कि टीचर जो एक स्टोरी बता रही है बच्चों को, अब बच्चे जो है टीचर को ध्यान से सुन रहे हैं तो लिसनिंग स्किल डेवलप हो रही है. लेकिन वो सुनते वक्त पिक्चर भी ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि टीचर ने उनको क्या कहा कि जो मैं बोल रही हूं उसका पिक्चर ड्रॉ करो. तो ये हुआ पिक्टोरियल डिक्टेशन. लेकिन पिक्टोरियल डिक्टेशन भी पॉसिबल कैसे होगी, सिर्फ इस स्किल से, लिसनिंग स्किल से. बच्चे ध्यान से सुनेंगे तभी अच्छे से पिक्चर को ड्रॉ करके एक सीक्वेंस में लगा पाएंगे. नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटी. टीचर ग्रुप एक्टिविटी करा सकती हैं, जैसे कि बच्चों से डिस्कशन करा सकती हैं, कुछ इस तरीके के गेम्स जैसे कि लैंग्वेज गेम्स हो सकता है, क्लासरूम में डिबेट हो सकता है. तो बच्चे एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बोलेंगे भी, डिस्कशन भी करेंगे, डिबेट भी करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनेंगे भी, है ना. तो यहाँ पर लिसनिंग स्किल से जो है क्या होगा, बच्चों का इनफेक्ट फोकस भी बनता है, अटेंशन भी बनता है बच्चों का एंड बच्चों की प्रोनंसिएशन भी अच्छी होती है क्योंकि लिसनिंग के साथ साथ स्पीकिंग स्किल्स भी डेवलप होती ही होती है. बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बच्चों को आइडिया समझ में आते हैं, बच्चों की जो ओरल स्किल है वो अच्छे से डेवलप होती है. राइट, ये वाली ओरल स्किल. ठीक है, ये ओरल स्किल का मतलब होता है हियरिंग एंड लिसनिंग. ओके, तो यहाँ पर हमारा जो लिसनिंग स्किल है ये आज कंप्लीट होता है. अब कल हम बात करेंगे स्पीकिंग के बारे में. इसी तरीके से हम वन बाय वन हर एक स्किल को लेते हुए चलेंगे. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस. आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज स्किल्स में स्पीकिंग स्किल के बारे में. ऑलरेडी हम लिसनिंग स्किल के बारे में बात कर चुके हैं. इनफैक्ट हमने LSRW का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें से डायरेक्ट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो भी हमने कर लिया. ठीक है, तो अभी हम स्पीकिंग स्किल के बारे में बात करेंगे. तो एक चीज ध्यान रखना कि जैसा मैंने बताया था कि स्पीकिंग एंड लिसनिंग ये साथ साथ चलता है. आप जो बोलोगे आपको सुना जाएगा एंड जो आप सुनते हो उसका रिस्पोंड किया जाता है. राइट, तो इसीलिए स्पीकिंग एंड लिसनिंग साथ साथ चलेगा. ओके, तो स्पीकिंग स्किल एक प्रोडक्टिव स्किल है क्योंकि आप कुछ शब्द प्रोड्यूस कर रहे हो. ठीक है, इसके अलावा ये एक एक्सप्रेसिव स्किल है एंड प्रोडक्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्किल है ये ओरल मोड में. जैसे कि अगर राइटिंग की बात की जाए तो राइटिंग भी एक एक्सप्रेसिव स्किल है लेकिन वो आप रिटन में करते हो. बट स्पीकिंग क्या है, ये ओरल मोड में एक्सप्रेसिव स्किल है. ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसके कि टाइप कितने हैं. तो इसके तीन टाइप हैं, इंटरैक्टिव, पार्शली इंटरैक्टिव एंड नॉन इंटरैक्टिव.
अब देखो इंटरैक्टिव का मतलब क्या है, जहां पर आप इंटरैक्ट कर रहे हो, जहां पर आप सामने वाले की सुन भी रहे हो एंड आप रिस्पोंड भी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ फेस टू फेस बैठे हैं, वहां पर आपका डिस्कशन चल रहा है, पहले आप बोलोगे सामने वाला आपको सुनेगा, जैसे कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग साथ साथ चलता है जैसा मैंने अभी बताया। तो आप बोलोगे सामने वाला सुनेगा, सामने वाला बोलेगा आप सुनोगे, तो आपकी क्या हो रही है, प्रॉपर बातचीत हो रही है, आप इंटरैक्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसके अलावा फेस टू फेस के अलावा टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन को भी हम इंटरैक्टिव बोल सकते हैं। अब पार्शली इंटरैक्टिव में क्या होता है, जहां पर आप फेस टू फेस तो बैठे हो लेकिन वहां पर आप प्रॉपर इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल दूंगी मैं, तब आपको समझ में आएगा। आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा है ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स लार्ज कम्युनिटी को, लार्ज ग्रुप को बताते हैं, इनको मोटिवेट करते हैं, अपना स्पीच देते हैं। जब वो अपना स्पीच देते हैं उस टाइम पर ऑडियंस चुपचाप बैठकर उनको सुनती है, लेकिन जब मोटिवेशनल स्पीकर्स अपनी ऑडियंस से कहते हैं कि कोई डाउट है तो पूछिए, तब वन बाय वन करके कोई ना कोई ऑडियंस में से पार्टिसिपेट करता है और अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स क्लियर करता है। तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, वहां पर आप पार्शली इंटरैक्ट कर रहे हो, आप फुल्ली इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो। जैसे कि यहां पर तो इंटरैक्टिव में आप क्या कर रहे थे, आप फेस टू फेस बैठे और टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में आप प्रॉपर बातचीत कर रहे हो, यहां पर बातचीत नहीं है, यहां पर आप पार्शली इंटरैक्ट कर रहे हो, मतलब बीच बीच में थोड़ा सा बात कर लिया। अब जैसे कि क्लासरूम का एग्जाम्पल ले लो, आप कोई ग्रुप एक्टिविटी करा रहे हो बच्चों की, तो ग्रुप एक्टिविटी में भी बच्चे क्या करते हैं, पार्शली इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आता है एक नॉन इंटरैक्टिव, जिसमें आपका इंटरेक्शन होता ही नहीं है। जैसे कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए रिकॉर्डिंग जो करनी पड़ती है उसे हम नॉन इंटरैक्टिव में डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि स्पीकिंग स्किल्स के एम्स क्या हैं, है ना। हर स्किल का एक एम लेकर आप चलते हो, तो स्पीकिंग स्किल का एम क्या है, देखो ये तो जाहिर सी बात है, मतलब एक समझने वाली बात है कि अगर स्पीकिंग स्किल अच्छी नहीं होगी तो आपका लैंग्वेज सीखने का, सुनने का कोई फायदा नहीं है। तो आपकी जो ये स्पीकिंग स्किल है ना, ये बहुत ही क्रूशियल चीज है, चारों में से LSRW में से ये आनी ही आनी चाहिए आपको, ठीक है। फर्स्ट है डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग सेंटेंसेस क्लियरली एंड कॉम्प्रिहेंसिबली। तो हम ये चाहते हैं कि भाई स्पीकिंग स्किल के थ्रू बच्चों में ना स्पीकिंग प्रैक्टिस अच्छी हो जाए एंड उनको बोलना आए, और बोले भी वो बिल्कुल क्लियर, ठीक है, क्लियर बोले। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिबली बोले, दैट मीन्स कि जो वो बोले वो समझ में आए, ठीक है। इसके अलावा बी एबल, मतलब लर्नर शुड बी एबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस इन स्पीच इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम, ओके। तो स्पीकिंग स्किल का मतलब यह है कि हम ये स्किल इसीलिए डेवलप कराते हैं बच्चों में, ताकि बच्चे या कोई भी जो लर्नर जो सेकंड लैंग्वेज को सीख रहा है वो क्लासरूम के अंदर भी, क्लासरूम के बाहर भी इंग्लिश में ही बात करे, क्योंकि हम यहां पर मेन टारगेट इंग्लिश लेकर चल रहे हैं। आप कोई भी लैंग्वेज सिखा रहे हो बच्चे को, तो आपका मेन टारगेट एक यही होना चाहिए कि आप चाहोगे कि बच्चा जो है अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को उसी सेम लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर पाए, वो भी क्लास के अंदर भी, क्लास के बाहर भी, ठीक है। इसके अलावा अनेबल द यूज ऑफ करेक्ट वर्ड्स, आप चाहोगे कि बोलते वक्त लर्नर करेक्ट वर्ड का यूज करे, प्रॉपर स्पेलिंग का यूज करे, ठीक है। इसके अलावा जो बोलते वक्त स्ट्रेस दिया जाता है सिलेबल पर, वर्ड पर, उसका ध्यान रखे। अब देखो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा गार्डन, ठीक है, तो गार्डन में ये जो आगे वाला इनिशियल है ना GAR, गार पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस इसमें दिया जाता है, डन में इतना स्ट्रेस नहीं दिया जाता, तो गार्डन, ठीक है, इस तरीके से। इसे क्या कहते हैं हम, स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस का मतलब होता है जब आप बोलते हो तो बोलते वक्त किसी एक वर्ड पर या किसी सिलेबल पर स्ट्रेस देना, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर राइम आनी चाहिए, जो कि यूज होती है पोइट्री में, पोएम्स में, एंड आप चाहोगे कि लर्नर फ्लुएंटली बात करे, एंड आप चाहोगे कि लर्नर जो है स्पीकिंग स्किल्स के थ्रू इंटोनेशन को सीखे, मतलब अपनी पिच को सीखे कि कहां पर हाई करनी है, कहां पर लो करनी है, एंड ये भी किसमें होता है, पोएम्स में होता है। नेक्स्ट है पोज, तो बोलते वक्त कहां पोज देना है उसके बारे में भी लर्नर को पता होना चाहिए। तो हम ये सभी चीजें बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं स्पीकिंग स्किल के थ्रू। मेक द लर्नर अ गुड एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर, ऑफ कोर्स आप यही चाहोगे कि अगर स्पीकिंग स्किल्स हम डेवलप कर रहे हैं तो बच्चा
कॉन्फिडेंटली बोले, जो भी बोले बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोले, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ स्ट्रेटजीज या कुछ सजेशंस जिससे आप स्पीकिंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हो, ओके। तो पहला है ओरल ट्रेनिंग ऑफ लैंग्वेज। अब जाहिर सी बात है हम बच्चों को लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो यहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ओरल ट्रेनिंग देनी है। मतलब अगर हम स्पीकिंग स्किल को ओरल मोड में एक्सप्रेस करते हैं तो दैट मीन्स हमें ओरल मोड में ही उनको कुछ ऐसे गेम्स कराने पड़ेंगे ताकि बच्चे अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस कर पाए। जितना हो सके उनको मौका दो ओरली ट्रेन करने का। आप अलग अलग ऑडियो विजुअल एड्स दिखा सकते हैं, जैसे कि आप उनको कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाओ, उसमें से फिर आप कुछ पूछ सकते हो बच्चों से, तो बच्चों का वहां पर स्पीकिंग भी डेवलप होगा, लिसनिंग भी डेवलप होगा। एक्टिविटीज लाइक डिबेट, क्लास में डिबेट कराओ, इससे होगा क्या, बच्चे नए नए वर्ड्स के साथ आएंगे, नई नई वोकैबुलरी उनको पता चलेंगे, इसके अलावा नई नई वोकैबुलरी को वो रिटेन कर पाएंगे डिबेट, डिस्कशन एंड ड्रामेटाइजेशन के थ्रू। अब देखो जैसे कि डिबेट में आप एक टॉपिक देख सकते हो बच्चों को और कह सकते हो कि चलो बच्चों इस पे बात करो, ठीक है। तो बच्चे यहां पर क्या करेंगे, अपनी स्पीकिंग स्किल को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, राइट। नेक्स्ट है लैंग्वेज गेम्स, कोई लैंग्वेज गेम खिला सकते हो, जैसे कि डिस्कशन करा सकते हो, ओके। इसके अलावा ड्रामेटाइजेशन, ड्रामेटाइजेशन का मतलब होता है कुछ बच्चा एक्ट करे, इनएक्ट करे। अच्छा आपको याद हो ये चीज मैंने आपको लिसनिंग स्किल में भी कराई थी। अब ये चीज मैंने लिसनिंग स्किल में इसलिए कराई थी, जैसा मैंने कहा था कि लिसनिंग अकेले नहीं होती, लिसनिंग के साथ स्पीकिंग, स्पीकिंग के साथ लिसनिंग होता ही होता है, तो इसीलिए इनका ये चीज जो है आप देखोगे कि मैच करेगा लिसनिंग में भी एंड स्पीकिंग में भी। नेक्स्ट है यूजिंग मिनिमल रिस्पॉन्सेस। अब देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर ना जो बिगिनर्स होते हैं उनको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। मिनिमल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि छोटे छोटे रिस्पॉन्स देना। देखो जब बच्चा एक सेकेंड लैंग्वेज लर्न करने आ रहा है, सपोज करो अब बच्चे को नहीं पता कि बात किस तरीके से करनी है क्योंकि अभी उसे लैंग्वेज का अभी उतना नॉलेज नहीं है सेकंड लैंग्वेज का, तो आप बच्चों को कॉन्फिडेंस कैसे दे सकते हो। आप बच्चों को पहले बोलोगे कि आप ना पहले मिनिमल रिस्पॉन्सेज करो, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जितना छोटा से छोटा रिस्पॉन्स वो देंगे उनसे, उससे ना उनका क्या होगा कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। या फिर जैसे कोई आप बात, आप जब उनको बोलोगे बच्चों को कि मिनिमल रिस्पॉन्सेज देने, तो आप उनको बोलो कि जैसे आपसे कोई बात करे तो आप यस, राइट, नो, थैंक यू, वेलकम, इस तरीके से ग्रीट करेंगे, इस तरीके से बोलेंगे, तो ये होते हैं मिनिमल रिस्पॉन्सेज, छोटे छोटे रिस्पॉन्सेज, लेकिन इन रिस्पॉन्सेज से बिगिनर्स के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट है ड्रिल ट्रेनिंग, इसका मतलब है प्रैक्टिस, भाई प्रैक्टिस कराओ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और स्पीकिंग में यही होता है, जितनी प्रैक्टिस आप कराओगे उतनी ही जल्दी और उतनी ही ईजिली आप सेकेंड लैंग्वेज को लर्न कर लोगे। नेक्स्ट है ऑथेंटिक प्रैक्टिस एनवायरनमेंट, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। एज अ टीचर हमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा देखो अपॉर्चुनिटी देनी है, ज्यादा से ज्यादा एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है जो हेल्दी हो, ऑथेंटिक हो, वहां पर जहां बच्चे ज्यादा से ज्यादा रिस्पोंड कर पाए, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। तो ये तो हुई बात स्पीकिंग स्किल्स के बारे में, अब हमने लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोनों कर लिया है, अब इन दोनों को थोड़ा सा जोड़ के चलते हैं, इन दोनों को लेकर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग को लेकर कुछ स्ट्रेटजीज देखते हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मैं एक बार रब करती हूँ, फिर मैं कुछ स्ट्रेटजीज लिखूंगी जिससे ना हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उस चीज को हम स्किप नहीं कर सकते, तो चलिए पहले मैं लिख देती हूँ यहां पर। अभी जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट है वो मैंने लिख दिया, तो अभी हम बात करेंगे कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। हालांकि इनके बारे में हमने इंडिविजुअल बात कर लिया, लेकिन जैसा मैंने बताया ये साथ में चलते हैं, तो इसीलिए इनको साथ में पढ़ना एक बार मैंडेटरी हो जाता है। तो अभी हम बात करेंगे कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल को कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट है कि क्लास को ना स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करना चाहिए, मतलब इतने छोटे ग्रुप हों कि टीचर जो है हर एक बच्चे पर इंडिविजुअल ध्यान दे पाए, राइट। अगर ज्यादा प्रपोर्शन होगा बच्चों का ग्रुप में तो टीचर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों को मैनेज करना और उनको लैंग्वेज सिखाना। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टर एंड टीचर सर्व एज अ गुड मॉडल फॉर द लर्नर। अब इस बात का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्टर और टीचर जो लैंग्वेज सिखा रहे हैं उनके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो एक रोल मॉडल, एक गुड
मॉडल की तरह सर्व करते हैं लर्नर के आगे. रीजन बीइंग कि लर्नर जो होते हैं वो टीचर को इमिटेट करते हैं. अगर टीचर के पास प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर प्रोनंसिएशन होगी, अगर टीचर को पता होगा कहाँ राइज एंड फॉल होगा, किस तरीके से किस वर्ड को बोला जाएगा, तो बच्चे उसको प्रॉपरली इमिटेट करेंगे. तो अगर टीचर की प्रोनंसिएशन अच्छी होगी तो बच्चों की भी प्रोनंसिएशन अच्छी होगी. नेक्स्ट है एट प्राइमरी लेवल. देखो अभी छोटा लेवल है ना, बिगिनर्स हैं अभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनमें हम स्पीकिंग स्किल्स को कैसे डेवलप करेंगे, हम छोटी छोटी एक्टिविटीज के थ्रू स्पीकिंग स्किल को डेवलप करेंगे. जैसे कि सबसे पहले हम बच्चों को ग्रीटिंग सिखाएंगे कि किस तरीके से ग्रीटिंग करना चाहिए. दैट मींस किस तरीके से सामने वाले को ग्रीट करो, सामने वाले को किस तरीके से विश करना है, आपने बर्थडे कैसे विश करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग कब बोलना है, इसके अलावा फेस्टिवल्स को कैसे विश करना है, ये सारी चीज़ें ग्रीट में आती हैं. ठीक है, एल्डर्स को कैसे ग्रीट करना है एंड अपने से छोटों को कैसे ग्रीट करना है, तो ये सब चीज़ें ग्रीटिंग में आएंगी. इससे होगा ये कि बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों से उनके एक्सपीरियंस पूछो. अब बच्चे एक्सपीरियंस के बेसिस पर क्या करेंगे, लैंग्वेज को अच्छे से डेवलप कर पाएंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बच्चों को बोल सकते हो कि दिवाली को लेकर अपने एक्सपीरियंस बताओ. तो सबके घर में दिवाली अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते होंगे, किसी के घर में रंगोली बनाई जाती होगी, किसी के घर में रंगोली नहीं बनाई जाती होगी, सिर्फ मीठे मीठे पकवान बनाए जाते होंगे. सो सबका अलग अलग तरीका है, राइट, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी है. तो अब आप बच्चों को पूछो कि भाई आपके घर में दिवाली कैसे सेलिब्रेट होती है, तो हर बच्चा अपना अपना एक्सपीरियंस बताएगा, तो उससे बच्चे की स्पीकिंग स्किल बढ़ेगी एंड जो बच्चे सुन रहे होंगे उनकी लिसनिंग स्किल इंप्रूव होगी. नेक्स्ट है बच्चे का इंटरेस्ट क्या है. प्राइमरी लेवल पर हमें बच्चों का इंटरेस्ट ध्यान में रखना है. क्यों? क्योंकि बच्चों का अगर इंटरेस्ट होगा तभी वो मोटिवेट हो पाएंगे, यू नो, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए. नेक्स्ट है बच्चे अभी छोटे हैं, उनको बोलो कि स्टोरी शेयर करो, तो बच्चे छोटी छोटी स्टोरी शेयर करेंगे और उनको मजा भी आता है ऐसी लर्निंग में. नेक्स्ट है लैंग्वेज स्किल कैन बी लर्न्ड बाय एक्टिविटीज थ्रू और बेस्ड ऑन सिचुएशन. अब देखो बच्चों को ना हमने सिचुएशन बेस्ड लर्निंग करानी चाहिए. सिचुएशन बेस्ड लर्निंग का मतलब है एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई या रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ी हुई हमें लर्निंग करानी चाहिए. जैसे कि बच्चों को कोई सिचुएशन दे दो, अब बच्चों से पूछो कि इस चीज़ के रिगार्डिंग आप 3 या 4 लाइनें बोलो, तो बच्चा जब किसी चीज़ को रियल लाइफ में ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका होगा उस पर बच्चा 3 से 4 लाइन बोल पाएगा और बच्चा जो है रियल लाइफ सिचुएशन के साथ जोड़कर हर चीज़ को लर्न करेगा ईजीली, है ना. नेक्स्ट है इंडिविजुअल अटेंशन देना चाहिए बच्चों पर. नेक्स्ट है टीचर शुड हैव अ सिंपैथेटिक आउटलुक टुवर्ड्स द लिसनिंग एंड स्पीकिंग शॉर्टकमिंग्स ऑफ द लर्नर. दैट मींस टीचर को ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं. ठीक है, कोई बच्चा फास्ट लर्नर होगा, कोई स्लो होगा, कोई मॉडरेट लर्नर होगा, तो टीचर के पास हमेशा एक सिंपैथेटिक आउटलुक होना चाहिए. तो टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चों का अलग अलग पोटेंशियल है, अलग अलग यू नो कल्चरल डाइवर्सिटी है, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया से बच्चे आए हैं. ज्योग्राफिकल एरिया मतलब सबका अपना रीजनल बैकग्राउंड अलग है, राइट, तो उसकी वजह से लैंग्वेज पर बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है. तो टीचर को ये समझना होगा कि भाई हाँ बच्चा इस एरिया से है या बच्चे का ये पोटेंशियल है या बच्चा किस तरीके का लर्नर है, उस हिसाब से बच्चे की स्पीकिंग एंड लिसनिंग शॉर्टकमिंग को दूर करना होगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हरियाणा की बात करें तो आप देखना कि जब हरियाणा हम बिकॉज आई एम बीइंग हरियाणवी तो मैं खुद कह रही हूँ ये चीज़ कि हम लोगों की जो भाषा होती है वो थोड़ी स्ट्रोंग होती है. ठीक है, हम हरियाणवी जब बोलते हैं बहुत स्ट्रोंग होती है, तो जब हम हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं तो थोड़ा सा उसका पिच आता है. ठीक है, तो टीचर को ये समझना चाहिए कि बच्चे के सबके ना रीजनल बैकग्राउंड अलग हैं, तो इसीलिए टीचर शुड हैव अ सिंपैथेटिक आउटलुक टुवर्ड्स द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द लर्नर. तो टीचर को ये समझना होगा कि इस शॉर्टकमिंग को कैसे दूर किया जा सकता है, राइट. तो बच्चों की डिक्शन को सुधारने के लिए टीचर के पास एक प्रॉपर आउटलुक होना चाहिए कि किस तरीके से शब्दों का उच्चारण ठीक किया जा सके, राइट. नेक्स्ट है कि वेरियस यूजेज ऑफ लिसनिंग स्किल. लिसनिंग स्किल के क्या क्या वेरियस यूजेज हैं, जैसे कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आइडियाज एंड फीलिंग्स. जो सुनने वाला होगा, जो लिसनर होगा, जो बच्चा होगा, वो सामने वाले का स्पीकर के कॉन्सेप्ट आइडिया या फीलिंग को समझने की कोशिश करेगा. एंड जो भी बच्चे को सुनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिसनिंग स्किल है तो बच्चा आराम से बैठ के सुन रहे, उसको वह ध्यान से सुनेगा, फिर उसको कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि भाई इसका मीनिंग क्या है. नेक्स्ट है लिसनिंग स्किल से ना बच्चों को इंग्लिश,
स्पीच एंड साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स का नॉलेज हो जाता है। जैसे कि बच्चे जब कुछ सुनते हैं उनको पता चलता है कहां पर हमें स्ट्रेस देना है, कहां पर इंटोनेशन होना चाहिए, कहां पर हमें पिच हाई रखनी है, कहां पर पिच लो रखनी है, कितनी फ्लुएंसी होनी चाहिए, कहां पॉज देना चाहिए। ये सब चीजें इंग्लिश स्पीच एंड साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है लिसनिंग स्किल के थ्रू बच्चा प्रोनंसिएशन को अंडरस्टैंड करता है। वेयर एज स्पीकिंग स्किल में इसी प्रोनंसिएशन को बच्चा बोलता है करेक्टली। यहां पर तो प्रोनंसिएशन को अंडरस्टैंड करता है थ्रू लिसनिंग स्किल, एंड स्पीकिंग स्किल में यहां पर वो प्रोनंसिएशन को करेक्टली बोलता है इमिटेट करके। नेक्स्ट है डेवलप एंड एनहेंस द वोकैबुलरी। तो स्पीकिंग स्किल के थ्रू बच्चा क्या करता है, अपनी वोकैबुलरी को डेवलप करता है, एनहेंस करता है, मतलब और बढ़ाता है। एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड व्यूज। तो हम स्पीकिंग अपनी बोलने के, जब हम बोलते हैं तो हम अपनी आइडियाज को, अपने मीनिंग को कन्वे करते हैं। तो स्पीकिंग स्किल के थ्रू बच्चों को ये पता चलता है या लर्नर को ये पता चलता है किस तरीके से हमें अपनी फीलिंग्स को बयान करना है, एक्सप्रेस करना है। इम्प्रूव देयर डिक्शन। डिक्शन का मतलब होता है शब्दों का उच्चारण। तो स्पीकिंग स्किल के थ्रू हम अपने शब्दों के उच्चारण को बिल्कुल सही करते हैं एंड हम अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, है ना। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द नॉन वर्बल एक्शन। देखो कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो जिनमें स्पीच तो होती है बट वो बोलकर नहीं होती, मतलब एक्शन या जेस्चर्स के थ्रू हम कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डम शेराड, आपने सुना है ना डम शेराड जो गेम है, उसमें क्या होता है कि आप फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर के थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, एंड जो बैठे हुए होते हैं जो आपके साथ गेम खेल रहे हैं वो अब आपको डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो। सो स्पीकिंग स्किल जो है ना, इससे होता ये कि हम नॉन वर्बल एक्शन को भी समझते हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन जेस्चर के थ्रू भी हम समझते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सो यहां पर हमारा ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल वाला कंप्लीट होता है। अभी हमारा रीडिंग एंड राइटिंग बचा है। नेक्स्ट वीडियो में हम रीडिंग स्किल के बारे में बात करेंगे, फिर हम राइटिंग स्किल के बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर, वेलकम बैक टू माई चैनल लर्निंग विद पेस। आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग स्किल के बारे में। अब देखो रीडिंग स्किल में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसका मीनिंग जानना है थोड़ा बहुत, एंड इसके टाइप्स जानने हैं, दो अप्रोचेस पढ़नी है, एंड देन ये वाला पार्ट पढ़ना जो ऑलरेडी सीटेट में आ चुका है 2015 में, ठीक है। चलिए अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो रीडिंग स्किल में आपको ये जानना है कि ये लैंग्वेज का कौन सा एस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज का कौन सा एस्पेक्ट है, फनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट। ये ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो रीडिंग स्किल जो है ये फनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट है लैंग्वेज का। तो आगे लैंग्वेज भी लिख लेना, एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। फनेटिक का मतलब क्या हो गया कि आपने साउंड प्रोड्यूस की, ठीक है। ग्राफिक का मतलब क्या हो गया, जो रिटन में है, ठीक है। अब आप जब रीडिंग करते हो तो आप ऑलरेडी लिखा हुआ रीड करते हो, ठीक है ना, कहीं पर भी, कहीं चाहे बुक में लिखा हो, चाहे पत्थर पे लिखा हो, चाहे किसी बोर्ड पर लिखा हो, कहीं पर भी लिखा हुआ आप रीड करते हो तो ऑलरेडी जो लिखा हुआ है, मतलब जो रिटन में है, उसे जब आप रीड करते हो, रीड करते वक्त आप साउंड निकालते हो, तो इसीलिए इट इज फनेटिक कम ग्राफिक। दैट मीन्स कि जो ऑलरेडी रिटन में है उसी को आपने क्या करा, आपने उसको रीड किया, आपने उसकी साउंड निकाली। सो दैट्स व्हाई रीडिंग स्किल इज द फनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके अलावा ये एक रिसेप्टिव स्किल है। यहां पर भी बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये रिसेप्टिव क्यों है, प्रोडक्टिव स्किल क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये प्रोडक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर आप ऑलरेडी लिखा हुआ पढ़ते हो, आप अपना कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो इसमें, इसीलिए ये एक रिसेप्टिव स्किल है, ओके। अब इसके टाइप्स करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग मतलब एकदम चुपचाप जो आप रीड करते हो, जैसे कि आप न्यूज़पेपर, अखबार, मैगजीन्स, इनकी आप साइलेंट रीडिंग करते हो,
नेक्स्ट है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग जो है ना वो क्लासरूम में होती है आपकी, टीचर आपसे लाउड रीडिंग कराती है। एंड लाउड रीडिंग का फायदा ये है कि आपकी एक्यूरेसी बनती है, आपकी डिक्शन सही हो जाती है, ठीक है। तो क्लासरूम में ज्यादातर लाउड रीडिंग होती है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि साइलेंट एंड लाउड दोनों में से कौन सी रीडिंग बेटर है, तो आपका आंसर होना चाहिए साइलेंट रीडिंग, ठीक है। हालांकि दोनों के अपने अपने बेनिफिट है, बट कहा जाता है कि साइलेंट रीडिंग इज यू नो वे बेटर देन लाउड रीडिंग। नेक्स्ट है इंटेंसिव रीडिंग। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप ना डीप स्टडी करते हो, एकदम डीप स्टडी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो आप क्या करते हो, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो इंटेंसिव रीडिंग से। जैसे कि सीटेट का एग्जाम आ रहा है, तो आप अभी क्या कर रहे हो, आप इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, एकदम डीप स्टडी, एकदम गहन अध्ययन कर रहे हो, ओके। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव रीडिंग। अब इस रीडिंग में आप क्या करते हो, आप ना एक तो ये विदाउट हेल्प ऑफ टीचर करते हो, विदाउट हेल्प ऑफ टीचर, एंड इसमें ना आप डीप स्टडी नहीं करते, नॉट डीप स्टडी। इसमें आप क्या करते हो, आप फटाफट से क्विक रीडिंग लेते हो, ठीक है, एक क्विक रीडिंग लेते हो। अब देखो एक्सटेंसिव रीडिंग आप कब करते हो, जैसे कि जब आपके एग्जाम के 5 से 6 दिन रह जाते हैं, आप उस टाइम पर क्या करते हो, सारा फटाफट से रिवाइज करते हो। तो जब आप रिवीजन करते हो ना, आप ऊपर से फटाफट से उसका यू नो आइडिया लेते हो कि क्या क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या क्या पढ़ा है, उसको रिटेन रखने के लिए आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हो, मतलब आप सरफेस वाली स्टडी करते हो। तो रिवीजन के टाइम पर आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हो। नेक्स्ट है स्कीमिंग एंड उसके बाद है स्कैनिंग। इन दोनों के बारे में लिखो आप एक बार, यहां पर क्वेश्चन बहुत आते हैं यहां से, एंड इसी में कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, तो कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों का आप जो है मेन मेन पॉइंट लिखना। देखो दोनों में लिखो कि भाई क्विक रीडिंग होती है, किसमें, स्कीमिंग में भी क्विक रीडिंग होती है, स्कैनिंग में भी क्विक रीडिंग होती है। फिर लिखो दोनों में ही आप डीप स्टडी नहीं करते हो, डेप्थ में स्टडी नहीं होती, ठीक है, एक तो ये दोनों में आएगा। अब इसका डिफरेंस देखो, अब इसका डिफरेंस देखो, अगर हम स्कीमिंग की बात करें तो स्कीमिंग में आप क्या करते हो, आप क्विक रीडिंग तो करते ही हो, लेकिन आप जनरल आइडिया लेने के लिए क्विक रीडिंग करते हो, ठीक है, क्या करने के लिए, सिर्फ जनरल आइडिया लेने के लिए, जनरल कॉन्सेप्ट समझने के लिए। जैसे कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में इतना लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है, क्या आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हो, नहीं पढ़ते ना, आप हेडलाइन देखोगे, ऊपर ऊपर का थोड़ा थोड़ा देख लोगे जो मेन मेन पॉइंट है, एंड आपको जनरल आइडिया पता चल जाता है कि भाई हाँ इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। सो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आप किसी जनरल आइडिया को जब लेना चाहते हो तो आप स्कीमिंग वाली रीडिंग का यूज करते हो। नेक्स्ट है स्कैनिंग रीडिंग। स्कैनिंग रीडिंग का मतलब होता है जब आप कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए रीड कर रहे हो। अब इसको याद रखने का तरीका बताती हूँ। देखो स्कीमिंग की बात जानो एक बार, स्कीमिंग रीडिंग का मतलब क्या होता है। देखो जैसे कि दूध उबल जाता है जब, तो ऊपर से मलाई आ जाती है, हम क्या करते हैं ऊपर से ऐसे मलाई निकाल लेते हैं, ऊपर ऊपर से सरफेस से मलाई निकाल ली, तो जो दूध के ऊपर मलाई आती है उसे भी हम स्किम कहते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स आपने उसकी क्या कर ली, आपने उसकी मलाई निकाल ली, ऊपर ऊपर से आपने उसको निकाल लिया। वही मीनिंग क्या हुआ कि पैराग्राफ है, आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया सिर्फ एक जनरल आइडिया लेने के लिए। इसीलिए जनरल आइडिया लेने के लिए जो रीडिंग यूज की जाती है उसे हम कहते हैं स्किमिंग रीडिंग। अब अगर आपको एक पैराग्राफ में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जाननी है कि कौन कहां गया, कब गया, किस टाइम पे पहुंचा, सपोज कर एक स्पेसिफिक, तो आप क्या करोगे, इस पैराग्राफ को प्रॉपरली स्कैन करोगे, है ना, स्कैन करोगे तभी आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पता चलेगी। तो जब आप किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हो तो आप स्कैनिंग रीडिंग का यूज करते हो। बट ध्यान रखना दोनों में ही डीप स्टडी नहीं होती है। नेक्स्ट है इन्फेरेंस रीडिंग। इसमें ना आप क्लू के हिसाब से मीनिंग लगा लेते हो। जैसे कि देखो आपने ये चीज नोटिस की होगी डे टू डे लाइफ में, जब आप कुछ पढ़ते हो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता, लेकिन जब हम उस पूरी लाइन को पढ़ते हैं तो हमें उस वर्ड का मीनिंग यू नो पता चले ना पता चले वो अलग बात है, बट हमें पूरी लाइन समझ में आ जाती है।
जैसे कि कुछ लिखा हुआ है, सपोज करो ये लिखा हुआ है कुछ, और हमें एबिलिटी का मतलब नहीं पता, ठीक है, हमें सिर्फ अकेले एबिलिटी का मतलब नहीं पता, लेकिन जब आप ये पूरी लाइन पढ़ोगे तो आप क्लू लगा लोगे कि एबिलिटी का मतलब क्या होगा। तो इसे कहते हैं इन्फेरेंस, दैट मीन्स आप क्लू लगा लेते हो कि भाई हाँ इसका मतलब ये होगा, उसका मतलब ये होगा, ठीक है, वो बात है। जैसे कि आप फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगा लेते हो ना, इसको भी गुस्सा आ रहा है, इसके फेस से दिख रहा है इसको भी यू नो हंसी आ रही है, तो वो थोड़ा सा कहते हैं कि आप यहाँ पर इन्फेरेंस रीडिंग करते हो। जब आप पढ़ते वक्त किसी स्पेसिफिक वर्ड को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझो, ओके। नेक्स्ट है इन्फेरेंस, अच्छा ये कर लिया। लाइब्रेरी रीडिंग, ये आपको पता है लाइब्रेरी में होती है, टीचर के सुपरविजन में लाइब्रेरी रीडिंग नहीं होती, तो लाइब्रेरी रीडिंग आप यू नो जब भी करते हो आप अकेले ही होते हो, तो यहां पर भी आप साइलेंटली रीड करते हो। फिर करते हैं बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच के बारे में बात। देखो बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर जाना, ऐसे ही टॉप डाउन का मतलब है ऊपर से नीचे जाना। तो इजी सी चीज है ये बिल्कुल। देखो जब आप बॉटम अप अप्रोच का यूज करते हो तो आप छोटी सीढ़ी लेते हो पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी सीढ़ी लेकर आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हो। सो इन द सेम वे सबसे पहले अल्फाबेट आते हैं, फिर वर्ड आते हैं, फिर सेंटेंसेस आते हैं, फिर पैराग्राफ आते हैं, फिर स्टोरी। तो हम ऐसे ही सिखाते हैं बच्चों को, हम ये दोनों अप्रोचेस का यूज करते हैं अकॉर्डिंगली एंड इसके थ्रू हम स्किल्स को डेवलप करते हैं। बिल्कुल इसी का वाइस वर्सा, बिल्कुल उल्टा टॉप डाउन अप्रोच है जिसमें आप पहले स्टोरी पढ़ते हो, फिर पैराग्राफ पे ध्यान देते हो, फिर सेंटेंस, फिर वर्ड्स एंड फिर अल्फाबेट। ओके बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि भाई पहले कौन सा किस में आएगा। ओके नेक्स्ट है इट इज एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स इन टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। इसका मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन ये आया था 2015 सीटेट में कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किस तरीके की एबिलिटी है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझना। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किस तरीके की एबिलिटी है। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज एन एबिलिटी, ये एक ऐसी योग्यता है टू अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स इन टेक्स्ट, जो लिखा हुआ है टेक्स्ट में, जो लिखा आप उसको क्या करते हो अंडरस्टैंड करते हो उसके हर शब्द को, एंड टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, जब आप जो पढ़ रहे हो उसका आप मीनिंग भी समझ रहे हो। ये क्या होता है, ये होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मतलब जो आपने रीड किया उसको आपने अंडरस्टैंड भी किया, ठीक है, तो उसे कहा जाता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। हालांकि आपको पता है कि मैं टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसके एमसीक्यूज लेकर आती हूं, तो हम लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग या राइटिंग के काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, क्योंकि आपको पता है यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंग्लिश पेडागोजी का, ठीक है। तो हमारा ये रीडिंग स्किल वाला पार्ट कंप्लीट होता है, कल वाली वीडियो में हम राइटिंग स्किल के बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गोर, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो लैंग्वेज स्किल में चार बेसिक स्किल्स आती हैं, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। तो लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग के बारे में बात कर ली, अब हम राइटिंग स्किल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर यही पूछ लेगा कि राइटिंग स्किल जो है ये लैंग्वेज का कौन सा एस्पेक्ट है, तो आपको ध्यान रखना है ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। ग्राफिक का मतलब होता है राइटिंग में, एंड ये थोड़ा ध्यान रखना कि राइटिंग स्किल जो है ना ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है टू इम्प्रूव और टू डेवलप। रीजन बीइंग कि जब आप अपने आप को, अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करते हो, तो उस टाइम पर आपकी राइटिंग एकदम प्रिसाइज होनी चाहिए, एकदम कॉम्प्रिहेंसिबल होनी चाहिए, ठीक है, उसमें राइट सेंटेंसेस होनी चाहिए, प्रॉपर ग्रामर होनी चाहिए। ओके अब यहां पर आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है इसके टाइप्स के बारे में, तो आप चार टाइप याद रखेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है कंट्रोल्ड राइटिंग, फिर ध्यान रखना है गाइडेड राइटिंग के बारे में, ठीक है, फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है फ्री राइटिंग एंड देन एडवांस्ड राइटिंग। ये चार टाइप आपको ध्यान रखने हैं, यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला है
कंट्रोल्ड राइटिंग, देखो नाम से समझ आ रहा है कंट्रोल करना। अब कंट्रोल्ड राइटिंग का मतलब यह है कि आप क्लासरूम में बच्चों को एक यू नो फॉर्मेट दे रहे हो, जैसे कि लेटर लिखना है, ऐसे लिखना है, तो आपने क्या करा, बच्चों को एक फॉर्मेट दे दिया कि इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, तो वो क्या हो गया, वो कंट्रोल्ड राइटिंग हो गई। या फिर आप बच्चों को जैसे एडजेक्टिव सिखा रहे हो, अब बच्चों ने एडजेक्टिव कर भी लिए, अब आप चाहते हो कि बच्चे एडजेक्टिव की एक वर्कशीट फिल कर दें, तो आपने बच्चों को एडजेक्टिव की एक वर्कशीट दी, अब उसमें आपने फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिए, ठीक है, जैसे कि आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया एंड बीच में आपने ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिए एंड बच्चों को वो फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं, तो वो क्या हो गई, कंट्रोल्ड राइटिंग हो गई। कंट्रोल्ड राइटिंग में बच्चे जो हैं अपने खुद के आइडियाज नहीं लगाते, ठीक है। नेक्स्ट है गाइडेड राइटिंग। अब यहां पर क्या कर रही है टीचर, गाइड कर रही हैं, तो यहां पर टीचर क्या करती हैं, बच्चों को हेल्प करती हैं, साथ साथ फीडबैक भी देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री राइटिंग। अब अच्छा यहां पर ध्यान रखना, गाइडेड राइटिंग में होगा ये कि यहां पर आप एक जैसे कोई आपने कोई फेस्टिवल बोल दिया या कोई एक सिचुएशन बोल दी, तो आपने बच्चों को बोला कि इसके ऊपर लिखो, चार सेंटेंसेस लिखो, तो बच्चे जब लिखेंगे तब आप हेल्प भी करोगे बच्चों की, अगर कहीं बच्चे स्टक हो रहे हैं तो, एंड देन फीडबैक भी साथ साथ देते जाओगे। अब जैसे कंट्रोल्ड राइटिंग में तो आपने क्या करा, आपने डिक्टेट किया, ठीक है, जो आपने बोला बच्चे वो ही लिखेंगे, लेकिन गाइडेड राइटिंग में आपने सिर्फ एक वर्ड या चार वर्ड दिए, बच्चे उन वर्ड के मुताबिक सेंटेंसेस बनाएंगे एंड आप बीच बीच में उनको हेल्प भी करोगे, फीडबैक भी दोगे। फ्री राइटिंग में क्या होता है कि आप बच्चों को खुद से करने दोगे, तो बच्चे जो है इसमें खुद के आइडियाज से लिखते हैं, ठीक है। एंड ध्यान रखना, जब भी कोई बिगिनर होता है तो बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट होता है राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, क्योंकि बिगिनर अगर खुद से लिखेगा धीरे धीरे वो मिस्टेक करेगा, बहुत सारी चीजें वो सीखेगा, तो ये बिगिनर के लिए भी बहुत सही होती है ये वाली प्रैक्टिस। नेक्स्ट है एडवांस्ड राइटिंग। इसमें आप क्या करते हो भाई, आप एडवांस लेवल पर लिखते हो, जैसे कि आपने बुक्स वगैरह लिख दी एंड उन बुक्स को पब्लिश कर दिया, या आप एडवांस लेवल पर अगर कॉर्पोरेट यू नो उसमें हो तो आप कुछ एडवांस लेवल पर चीजें लिख रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके की राइटिंग जो है वो एडवांस राइटिंग होती है, जिसके लिए आपको बहुत नॉलेज चाहिए होती है, ओके। अब इसके बाद राइटिंग के प्रोसेस याद रखने हैं आपको। ठीक है, क्या याद रखोगे, राइटिंग के प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत 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 मतलब, ठीक है, तो आपको प्रोसेस जरूर याद रखना है। यहां से मैं बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन राइटिंग का ये भी आया कि राइटिंग प्रोडक्ट है कि प्रोसेस है। ध्यान रखना, राइटिंग जो है इट इज अ प्रोडक्ट नॉट अ प्रोसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी दो तीन बार सीटेट में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको प्रोसेस राइटिंग ध्यान रखनी है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग की, राइटिंग लिखते वक्त कौन कौन से प्रोसेस शामिल होती हैं। सबसे पहला है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, आपने क्या करा, ब्रेन स्टॉर्म किया, फिर उसके बाद आपने उसे ड्राफ्ट किया, फिर ड्राफ्ट करने के बाद आपने उसे रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद आपने उसे एडिट किया एंड देन पब्लिश किया। अब इसका मतलब मैं समझाती हूँ, और क्वेश्चन ज्यादातर यहां से आए हैं, इसको ध्यान रखना क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बताती हूँ अभी। देखो, प्रोसेस ऑफ राइटिंग में क्या होता है, सबसे पहले आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग में आप क्या करते हो, जैसे कि देखो आपने ना किसी टॉपिक पर लिखना है, ठीक है, अब आप उस टॉपिक पर लिखने के लिए पहले तो नहीं, मतलब आपको लिखना किस चीज पे है, पहले तो आप ब्रेन स्टॉर्म करोगे, आप प्लानिंग करोगे कि भाई किस चीज पे लिखूं, लिखना क्या है, ठीक है। तो आपने पहले क्या करा, ब्रेन स्टॉर्म किया। ब्रेन स्टॉर्म करते वक्त आप बहुत सारे आइडियाज लेकर आते हो, तो ब्रेन स्टॉर्म का मतलब होता है आप प्लानिंग करते हो, आप बहुत सारे आइडियाज सोचते हो दिमाग में कि आपको लिखना क्या है, तो यही क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है।
देखो आप प्रोसेस से ना, हर प्रोसेस से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। तो ब्रेनस्टॉर्म से ये क्वेश्चन आया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है क्या है, कि प्रॉपर प्लान करना, आइडियाज सोचना, कि लिखना किस चीज पे है, एक टॉपिक सोचना, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि आपने यहां पर ऑलरेडी एक टॉपिक सोच लिया ब्रेनस्टॉर्म करके, अब आपने लिखना शुरू कर दिया, तो आपने राइट डाउन करना शुरू कर दिया। जैसे कि सपोज करो हम लिख रहे हैं फेमिनिज्म के बारे में, ठीक है, तो पहले आप अपना ब्रेनस्टॉर्म करोगे कि यार आप क्या लिखो क्या लिखो क्या लिखो। आपके दिमाग में आया कि ओ हम फेमिनिज्म के बारे में लिख सकते हैं या विमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिख सकते हैं, आपने यहां पर सोचा। अब यहां पर आपने टॉपिक सोच लिया, यहां पर आपने लिखना शुरू करा, दैट मीन्स आपने ड्राफ्ट किया, ठीक है, लिखना शुरू करा। अब लिखने शुरू करने से पहले आपने जो टॉपिक सोचे हैं उनको हम प्री राइटिंग भी कहते हैं, कि राइटिंग से पहले जो आपका प्रोसेस है विच इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसी को हम प्री राइटिंग भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि ड्राफ्ट में आपने क्या करा, राइट किया, तो एग्जामिनर ना कई बार इनसे भी क्वेश्चन ले लेता है, ये मेन पॉइंट छोड़ के इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब प्री राइटिंग, कि आपने लिखने से पहले, प्री का मतलब पहले, तो लिखने से पहले आपने आइडियाज सोचे, फिर आपने उस टॉपिक को लिखा, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट या फेमिनिज्म, जो भी आप लगा लो, आपने उसको लिखा आपने, फिर आपने जो लिखा है उसको आपने रिवाइज किया, ठीक है, आपने क्या किया, उसको रिवाइज किया। तो रिवाइज क्यों करोगे आप रिवाइज इसलिए करोगे भाई कहीं पर कुछ ऐड करना है तो ऐड कर दोगे। ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि रिवाइज का मतलब क्या है, कि आप कुछ ऐड करना है तो ऐड कर दोगे, कुछ उसमें से डिलीट करना है डिलीट कर दोगे, कुछ रीअरेंज करना है तो रीअरेंज कर दोगे। तो ये हो गया कि आपने जो लिखा है उसको आपने चेक किया कि क्या वो सही लिखा है, कुछ डिलीट करना है, कुछ ऐड करना है, रीअरेंज करना है, वो सब आपने यहां चेक किया। अब यहां पर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एडिट। ये कहा जाता है कि एडिट जो है वो राइटिंग प्रोसेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यही क्वेश्चन सीटेट में एग्जामिनर ने पूछ रखा है कि प्रोसेस ऑफ राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है एडिट या एडिटिंग, ठीक है। इसको हम प्रूफ रीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद कर लेना, 2-3 स्टार लगा लेना, बहुत बार क्वेश्चन आया प्रूफ रीडिंग होता क्या है। अब प्रूफ रीडिंग में आप क्या करते हो, देखो यहां पर आपने ऐड डिलीट या रीअरेंज किया, ठीक है। अब प्रूफ रीडिंग में आपने क्या किया, आपने जो लिखा है उसमें अगर कहीं पर ग्रामर मिस्टेक है तो आप ग्रामर मिस्टेक को चेक करोगे, आप पंक्चुएशन को चेक करोगे, आप कैपिटलाइजेशन को चेक करोगे, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ग्रामर मिस्टेक को चेक करना रिवाइज होगा कि एडिट होगा, चेक होगा कि प्रूफ रीडिंग होगा, तो आपको आंसर देना है एडिट और प्रूफ रीडिंग, ठीक है। रिवाइज एंड चेक में आप सिर्फ ऐड डिलीट या रीअरेंज करते हो शब्दों को, वर्ड्स को, बट एडिट में आप प्रॉपर ग्रामेटिकल मिस्टेक देखते हो, पंक्चुएशन मिस्टेक देखते हो, कैपिटलाइजेशन मिस्टेक देखते हो, ठीक है। अब फिर आता है एंड, हां ध्यान रखना यहां पर आप ये भी चेक करते हो कि क्या मटेरियल रेडी है पब्लिश करने के लिए। प्रूफ रीडिंग में आप क्या करते हो कि भाई एक रीडिंग को इस तरीके से जो लिखा उसको इस तरीके से रीड करते हो, ये चेक करने के लिए क्या ये पब्लिश करने लायक है या नहीं है, और फिर बाद में आपको कोई मिस्टेक नहीं दिखती तो आप उसे पब्लिश कर देते हो। तो ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार समझ लेना। जैसे कि पहले आपने क्या करा, आपने आइडियाज सोचे, ब्रेनस्टॉर्म करा, दिमाग लगाया, फिर आपने जो सोचा है उसका ड्राफ्ट तैयार किया, फिर आपने रिवाइज करा कि भाई क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, फिर आपने एडिट किया, देन उसको पब्लिश किया। जैसे कि अब आप स्टोरी कोई लिखते हो, ठीक है, आप स्टोरी, आपने सोचा कि भाई किस चीज के बारे में स्टोरी लिखोगे, आपने लिखना शुरू कर दिया, आपने उसमें रिवाइज किया कि भाई कहीं कुछ ऐड और डिलीट तो नहीं करना, करना है तो भाई फटाफट से करो, ठीक है। फिर आप दोबारा देखोगे, एक बार रीचेक करोगे, जिसे कहते हैं प्रूफ रीडिंग। तो इसमें अब आप ये देखोगे कि भाई बात ऐसी है, ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए,
पंक्चुएशन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैपिटलाइजेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज चेक करोगे आप यहां पर एंड देन उसे पब्लिश करोगे। अब जो इनका सब नेम है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्री राइटिंग, ड्राफ्ट का राइट, रिवाइज का चेक एंड एडिट का प्रूफ रीडिंग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको भी ध्यान रखना है आपने। तो यहां से देखो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं चारों स्किल से बात करूं, चारों स्किल में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो राइटिंग स्किल से आते हैं एंड स्पीकिंग स्किल से आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां से ये क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन आ रखा है, ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन आ रखा है एंड यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब हमारा यहां पर पूरा लैंग्वेज स्किल ड्यूअल जो लैंग्वेज स्किल का जो सीरीज था वो खत्म होता है। अब इसके जो एमसीक्यूज पार्ट हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट है कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।